थानेसर पूर्व प्रत्याशी योगेश शर्मा लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आज 40 फुटा रोड आजाद नगर कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां कॉलोनी वासियों ने उनको विभिन्न समस्याएं बताई। आपको बता दें कि थानेसर जजपा के पूर्व प्रत्याशी योगेश शर्मा के पास समस्या आई थी कि शहर के विभिन्न सड़कों के हाल बुरे हैं। इसी कड़ी में आजाद नगर और कल्याण नगर की सड़क जो कि बीच में ही रुकी हुई है, जिसमें ठेकेदार ने 300 फुट का टुकड़ा बीच में ही छोड़ दिया है, उन सड़कों को देखने के लिए योगेश शर्मा पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कॉलोनी वासी भी मौजूद रहे। योगेश शर्मा ने कहा कि लोगों के बुलावे पर आज हम आजाद नगर और कल्याण नगर के 40 फुटा रोड पर पहुंचे हैं, जहां पर ठेकेदारों द्वारा बनाई गई सड़कें अधूरी पड़ी हैं। ना तो सड़क का लेवल ठीक है और अन्य समस्याएं भी लोगों को आ रही हैं। ठेकेदार द्वारा 300 फुट का टुकड़ा छोड़ दिया है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्या आ रही है। इस पर इनकी मंशा और कार्यप्रणाली दोनों में संदेह है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सड़क को बनाया गया है, ना ही इस पर पानी का लेवल ठीक है। बरसात के मौसम में यहाँ पर बुरे हाल होते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं और यहीं प्लाटों में पानी इकट्ठा होता है तो बदबू फैलती है और बीमारी भी फैलती है। उन्होंने कहा कि लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लोग टैक्स भरते हैं, क्या मानहानि का दावा इन्होंने नहीं करना चाहिए? प्रशासन को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। इस अवसर पर छात्र सिंह जांगड़ा, धर्मवीर लांगयान, रामकुमार फौजी, बलजीत शर्मा, सतीश मास्टर, जेके जैन, बाली राणा आदि अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ठेकेदार महोदय कह रहे थे क्या हाथ से पाड़ देते हैं सड़कें, ऐसे फटेगी तो ऐसे फटेगी, क्या करेंगे इनका है जी, क्या आपके आगे यार यही सेम सड़क वो है, कैसे इसकी लाइफ की हम लोग देख लेंगे, ये चीज टिकाऊ है? अरे मैं इसको भी गाड़ी में रख रहा हूँ, इसको भी योगी मेज पे लेके जाऊँ, मैं पूछूंगा हमसे, सही बात, इसको भी योगी मेज पे ले जाके ले इसकी करो जी प्रमाणिकता क्या है, ये क्या नहीं है, आगे देखो ना क्या हुआ पड़ा है, क्या है ये, देखो जी फटेगी, ठेकेदार ये सड़क कितनी मजबूत है और सारी पट्टा है आपको दिखाई देगा, बात की सड़क इतनी जल्दी नहीं टूटती है, ले लो ले लो ये बड़ा बैठ इसके क्या हालात हैं और किस प्रकार से लोग परेशान हैं। आज हमारे को भाई जी उन्होंने बताया कि इस प्रकार समस्या है, तो हमने ज़रूरी समझा कि आपके माध्यम से प्रशासन को, काम करने वाले ठेकेदारों को कम से कम अपनी पीड़ा हम बताएं कि किस प्रकार से प्रताड़ित हैं, तो इसी विषय में आज आप सबको हमने यहाँ बुलाया था। आप देखिए एक सड़क है जो 100 फुटा रोड से इधर तक आई और यहाँ आके इस सड़क को रोक दिया, 300 फुट का टुकड़ा छोड़ के उसको आगे शुरू कर दिया। जब जो भी कंसर्न जेई थे, एमई थे, अधिकारी थे, जब किसी भी काम को शुरू करते हैं, एक सरकार का नियम है कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होगा उसका एक एस्टीमेट तैयार किया जाता है, वो एस्टीमेट जेई की रिपोर्ट पे तैयार किया जाता है। मुझे नहीं पता यहाँ कि जेई कौन थे जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया कि एक सड़क को बीच में ला के छोड़ दिया, तो इससे इनकी मंशा और कार्यप्रणाली दोनों पे कहीं ना कहीं संदेह की दृष्टि से देखना बनता है। और जिस प्रकार से इस सड़क को बनाया गया, ना इसका कोई पानी का लेवल, बरसात के मौसम में क्या हाल होते हैं, किस प्रकार से बीमारियां फैलती हैं, यही पानी साइड के प्लाटों में इकट्ठा होगा, वहां बदबू होगी तो बीमारी फैलेगी। और ये लोग बात करते हैं कि हम सीता का भैया लोग हैं आपके सामने खड़े हैं, ये आपको सारी समस्या भी बता देंगे और किस प्रकार इन लोगों ने यहाँ काम किया वो भी बताएंगे। अब एक बार योगेश जी, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये सड़क बन रही थी, को रात को तो बनाई नहीं, क्योंकि दिन में बनाई हुई, काफी सारी आबादी है, तो तब लोगों ने नहीं कहा भी इसको आगे तक बनाया जाए? बिल्कुल सबने कहा, उनकी तरफ से हमेशा एक चीज कही गई, बनेगी बनेगी, यहाँ तक जैसे बन गई
वो सारा सामान लेके तुरंत प्रभाव से निकल गए। और अगर किसी ने बीच में ये कह दिया कि ये खाली टुकड़ा पड़ा कोई प्लाट के साइड में कर दो, तो एक ही जवाब मिलता था जी, ये खाली वो करनी भी नहीं लगाएंगे फालतू, जितना मटेरियल भी फालतू नहीं लगेगा। ये बड़े बुजुर्ग खड़े हैं सारे, आप अच्छे से ज्यादा बता पाएंगे, मेरे संज्ञान में आज ही आया है। परंतु बड़ा दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ बात करते हैं पारदर्शिता की और दूसरा क्या चल रहा है आपके आगे, ये सारा ठेकेदार इन सभी बड़े बुजुर्गों को बुलाने पे यहाँ आए, इनकी समस्या है और बड़ी जायज समस्या है। ऐसे उस कोने पे हाई मास्क लाइट की डिमांड है, आए दिन चैन स्नैचिंग होती है, परंतु प्रशासन कहाँ है? क्या लोगों को ऐसे मरने के लिए छोड़ रखे हैं? तो इसलिए आए हैं कि सड़क देखो बिना पैमाने के बना दी और बीच में 300 मीटर का टुकड़ा छोड़ दिया, 3 महीने पहले वो सड़क बनी है उसका आलाप देखें जाके। तो क्या इन ठेकेदारों के ऊपर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है? इतना संरक्षण किसी का है कि कोई बिल्कुल अंधा खाता चला रखे है? तो आज आपको बुलाने का यही मकसद था कि आप लोगों की समस्या सुने, और जो बात करते हैं मानहानि की, जब ये लोग खड़े होकर उनके ऊपर मानहानि का केस करेंगे, हम अपनी इनकी कोई मान नहीं है क्या? इनका कोई मान सम्मान नहीं है क्या? हमारे शहर के मान सम्मान को इन चुनिंदा लोगों ने कलंकित करने का काम किया है, और लोग तो देख ही रहे हैं, मुझे कोई उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं। 2009-10 में मकान बनाया था, 14 में साल में ये 3 बार बनी है, पहले ना 300-400 मीटर उधर से बनी है, फिर काफी दिन बाद इधर से इधर तक बनी है। तो हमें पता लगा कहीं से भाई ये सड़क यहाँ से यहाँ नहीं बनेगी, तो हमने क्या किया, हम इकट्ठे होकर MLA साहब के पास भी गए थे। MLA साहब ने हमें एश्योरेंस दिया था, हाँ MLA साहब ने हमें एश्योरेंस दिया था कि हम इसको बनवाएंगे। हम यहाँ पे जो भी रामराज कोसी का उनसे बात करी थी, उनके साथ भी गए थे, उन्होंने मतलब ठेकेदार को फोन भी किया था कि हम करवाएंगे, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की, धर्मवीर शर्मा जी वो भी थे हमारे साथ, इन्होंने हमने भी रिक्वेस्ट की, वो कह रहे थे हम करवाएंगे करवाएंगे, लेकिन एकदम वो पीछे सामान उठा के चले गए। ये जो टेंडर पास होता ना जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें मेजरमेंट के हिसाब से होता है, बनेगी या इतनी, एक किलोमीटर की सड़क है, 3 बार टेंडर पास हो जाता है, मतलब ये चौड़ाई ही 12-13 फुट की है, यहाँ 13-14 फुट 300 मीटर जो बार बार छोड़ा गया है, पिछली बार भी छोड़ा था, अब फिर छोड़ा गया, इसका कुछ विशेष कारण है? इसका हो सकता है कोई विशेष कारण, लेकिन हमें पता नहीं लगा, लेकिन हम सारे ही वो हैं पढ़े लिखे नौकरी वाले बंदे हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ कारण नहीं है।